नमस्कार और आप देखें पल पल। सरकार द्वारा ऑटो अपील सॉफ्टवेयर आज का लोकार्पण किया गया। अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचना सरकार का लक्ष्य। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को चंडीगढ़ में ऑटो अपील सॉफ्टवेयर की शुरुआत की है। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बन चुका है जो इस तरह का अनूठा सिस्टम शुरू करने जा रहा है। उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जो सेवाएं अभी ऑनलाइन नहीं है उन्हें भी शीघ्र ऑनलाइन किया जाएगा ताकि लोगों को काम जल्द से जल्द हो सके। लॉन्च के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि अगर किसी भी व्यक्ति का काम समय पर नहीं होता है तो वह काम सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में आता है और ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के तहत आवेदन अपीलेट अथॉरिटी में चला जाएगा। यदि वहाँ से काम नहीं होता है तो आवेदन सबसे पहले बड़े अधिकारी के पास चला जाएगा। अगर इन दोनों स्तरों पर भी काम नहीं होता है तो इस आवेदन की कमीशन के पास आ जाएगा। और उन्होंने कहा कि ऑटो अपील सॉफ्टवेयर जिसकी शुरुआत की गई है इससे लोगों को बड़ी राहत मिल पाएगी। उनके काम की एक निर्धारित समय सीमा है और उसके अंदर ये काम होना चाहिए। अधिकारी या कर्मचारी अब ढुलमुल रवैया नहीं अपनाएंगे। उन्हें लोगों को समय पर काम करके देना होगा। ऐसा न करने पर क्लर्क से लेकर के विभागाध्यक्ष पर भी कार्रवाई हो सकती है। राइट टू सर्विस एक्ट के तहत 546 सेवाएं इसमें दी जा रही हैं। पल चंडीगढ़ से खास रिपोर्ट। वास्तव में आज का दिन बहुत ही एक क्रांतिकारी दिन ऐसा मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम में समझता हूं, क्योंकि हम लोग इस आईटी के सिस्टम को बहुत तरीके से उपयोग कर रहे हैं और शुरू से ही जब हमने सत्ता संभाली 26 अक्टूबर 2014 तो उस समय इतनी भीड़ रहती थी मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रियों के आवास, मंत्रियों के कार्यालय और फिर अधिकारियों के पास भी एक लाइन लगी रहती थी। और उसमें फोर्थ फ्लोर पर जिसको कहना चाहिए कि बहुत से एजेंट्स भी, ये भी भीड़ लगी रहती थी, भरा रहता था। मैंने अपने ही समय में देखा, पहले भी जब सरकारें चलती थी उस समय भी कभी कभी सेक्रेटरीट में या किसी न किसी मंत्री मुख्यमंत्री के आवास पर जाने का जो मौका मिलता था तो बहुत मैं अपने आप को एक ऐसे स्थिति में पाता था कि भी ये लोग आज़ाद भारत के अंदर कैसी स्थिति बनी हुई है कि जिस किसी को सरकार से काम होता है, छोटा काम बड़ा काम हो, राजधानी की ओर चल पड़ता है। तो उस नाते से सारी की व्यवस्था ऐसी क्यों ना हो कि सरकारी काम है उसको घर बैठे काम का लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो हरियाणा सरकार जो है वो नागरिक के डोरस्टेप पर पहुंचे इसके लिए सिस्टम संयोग से आईटी के ये जो प्रावधान है उसका जो उपयोग है उसको भी समझने की कोशिश की कि हम इससे क्या क्या चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले 25 दिसंबर 2014 को हमने सीएम विंडो की शुरुआत की मात्र 1.5 महीने में ही। और उस सीएम विंडो के माध्यम से आज नागरिक जो है अपने घर में बैठे हुए अपने स्थान पर उसके शहर के नज़दीक, कस्बे के नज़दीक, जहाँ भी उसको सीएम विंडो मिलती है वहाँ, और वो जो अपनी कंप्लेंट को डालता है। तो उस एक कार्यक्रम के माध्यम से सब इतना हो गया। फिर हमने जो जितने भी आईटी के टेक्नोलॉजी के जितने कार्यक्रम किए उसका जो लाभ मिला है जनता में उसका एक असर है। आईटी भले वो कहते तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी है लेकिन मैं इसको इमीडिएट ट्रांसमिशन या इमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन आईटी का मतलब ये निकालता हूँ कि इमीडिएट काम हो जाए। कहीं भी देश में दुनिया में कोई आदमी बैठा उसने क्लिक किया और वो संबंधित आदमी के पास चीज़ पहुँच गई, संबंधित आदमी ने उसको हल किया, क्लिक किया तो फिर वापस उस आदमी का रिजल्ट उसको मिल गया। तो इस क्रांतिकारी सारे सिस्टम से हमने जो चाहे अंत्योदय केंद्र बनाए, सरल केंद्र बनाए या जो सर्विसेज को ऑनलाइन किया और उसके माध्यम से सारी चीज़ें जो कर रहे हैं और अब जो सॉफ्टवेयर नए नए बने हैं चाहे वो परिवार पहचान पत्र है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा है या वेब हेल्थ के माध्यम से हमारा जो जितने भी रेवेन्यू के जो डाटा रिकॉर्ड है, लैंड रेवेन्यू जो हो रहा है उसमें से लोगों को बहुत सुविधा हो। जो एक ऑटो अपील का जो सिस्टम ये बना है आस जिसको कहा है, नागरिक को आस बन गई लेकिन केवल आस तक सीमित नहीं है, वो असल में भी होना चाहिए। तो हम इस आस को आस से असल सिस्टम, अगेन इट फॉर्म्स आस, तो उसको लगना चाहिए कि मेरा काम ही हुआ।
उसका विश्वास बढ़ेगा, जागृत होगा। जो नीडी लोग हैं, जो डेफिशिएंट ऐसे परिवार हैं, उनको उन चीज़ों का लाभ मिले, चाहे वो एजुकेशन के हिसाब से है, चाहे वो इनकम रोजगार के हिसाब से है, चाहे हेल्थ वाइज है, चाहे और भी कोई कारण है, उनको ध्यान रख करके उनकी चीज़ों का लाभ देंगे। और उसके लिए जो सारी सर्विसेज हैं उसमें जो पात्र है वो सर्विस का लाभ ज़रूर ले सके। और उसने एक बार सर्विस लेने के लिए अप्लाई कर दिया तो टाइमली उसको सर्विस मिले, नहीं टाइमली मिली तो राइट टू सर्विस कमीशन उसमें इतना बड़ा एक प्रावधान जो किया है, ये वास्तव में बड़ा सराहनीय है। और इसके लिए मैं हमारे जो कमीशन के चीफ कमिश्नर हैं जो डिपार्टमेंट हैं उनके अधिकारी हैं, इनको सबको, और आईटी विभाग ने भी बहुत बड़ा काम किया है। तो उस आईटी विभाग ने जितना काम किया उसके नाते से ही ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो सॉफ्टवेयर का ये सारा सिस्टम अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। टारगेट तय करना कि ये हमने करना है, लेकिन कैसे करना है वो तो इस आईटी सिस्टम के माध्यम से आगे बढ़ता। इनका बहुत बहुत इनको बधाई देता हूँ, इनको शुभकामना देता हूँ, और जनता को भी, हरियाणा की जनता को भी मैं आज बधाई देता हूँ कि वास्तव में हमारे रहन सहन को आसान बनाने के लिए, जिसको ईज ऑफ लिविंग कहते हैं, ईज ऑफ लिविंग के नाते से हमारा जो सरकार का एक सिस्टम बना है उस पर हम आगे बढ़ेंगे। लोगों को महसूस होना चाहिए कि आज हम पहले से बहुत प्रसन्न हैं। जनता को जितनी भी सेवाएं होती हैं, चाहे वो सर्विसेज हैं, चाहे वो जो हमारी योजनाएं हैं, केंद्र की हैं, प्रदेश की हैं, बहुत घोषणाएं होती हैं, बहुत लागू होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के लोग उन सेवाओं को प्राप्त करने में उलझने बहुत होती हैं, सिस्टम्स की उलझने होती हैं, अधिकारी पर निर्भर करता है कि उसको कितना मिल सके कितना नहीं मिल सके। राइट टू सर्विस एक्ट में हर एक सेवा को देने के लिए एक प्रावधान टाइम का दिया गया है, उस टाइम के अंदर वो सर्विस उसको मिलनी ही चाहिए। उसके ऊपर कुछ डिपार्टमेंट्स लागू करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अब हमारे राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन श्री टी सी गुप्ता जी की योजना ये थी कि इसका एक ऑटो अपील सिस्टम बनाया जाए कि जिस दिन तक सेवा देनी है मिल जाए, ठीक नहीं मिले पेंडिंग रहेगी तो ऑटोमेटिकली उस दिन ख़त्म होते ही वो अपील नेक्स्ट फर्स्ट अपील अधिकारी को चली जाए, और जो नेक्स्ट अपील है उन्होंने 30 दिन तक सुनवाई करके उसके ऊपर निर्णय करना होता है कि ये नहीं है तो उसके खिलाफ कोई मानो कार्रवाई करनी है, या सेकेंड अपील में भेजना है, या उसको रिजेक्ट करना है। ये भी हो सकता है कि वो अपील ऐसी हो कि जिसके अंदर कोई दम नहीं, उसको रिजेक्ट भी वो कर सकते हैं। तो ऐसा ऑटो अपील का सिस्टम बनाया गया है, ऑटो अपील सॉफ्टवेयर, इसलिए इसको आस कहा है। हमने ये कहा कि जनता की आस तो है लेकिन वो चाहते हैं कि ये अमल में भी आए, असल में भी आए। तो आस, अमल और असल, इसमें आए इस सिस्टम का नाम द्वारा से आस। तो इसलिए एक बहुत क्रांतिकारी कदम आज लिया गया है। अब जनता को इसके लिए अधिकारियों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो डॉक्यूमेंटल जितनी भी एक लिस्ट होती है, चेक लिस्ट जिसको कहते हैं, उस चेक लिस्ट के आधार पर डॉक्यूमेंट सारे जमा कराना, टाइम पीरियड के अंदर जो नोडल अधिकारी है वो उसकी सर्विस देगा, नहीं देगा तो ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और अगर कहीं अधिकारी लगातार इसमें उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। हाँ, इसमें से अच्छे अधिकारी भी आएंगे जो हर अपने काम को समय से पहले करते हैं, मेहनत करते हैं, जी जान लगा करते हैं, उनको उसमें रिवार्ड भी दिया जाएगा।